हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे भजिया कढ़ी। भजिया कढ़ी तो हमने पहले भी बनाई है, हमने आपको दही कढ़ी बताई है, नारियल की कढ़ी बताई है और भजिया कढ़ी बताई है। अब हम आपको नारियल और दही से मिला के बनाने वाली भजिया कढ़ी बताएँगे, जो बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत ताकतवर भी होती है, क्योंकि इसमें नारियल और दही दोनों का फ्लेवर है और हमारे पकौड़े भी तो है इसके साथ। तो आप सीखेंगे या नहीं? बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं भजिया कढ़ी नारियल और दही वाली। ठीक है, पहले हम पकौड़े का आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरा ली हूँ, इसमें हमने एक बड़ा प्याज स्लाइस कट करके डाले हैं। अब हमने यहाँ पे 150 ग्राम बेसन लिए हैं, हम इसमें बेसन का आटा मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे मसाले, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम डाल रहे हैं एक चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स। जी हाँ, सेम फ्लेवर है, यानी टेस्ट तो तीखा ही होगा। और लाल मसाला इसलिए नहीं डाले क्योंकि लाल कलर आएगा। अब डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और एक पिंच मीठा सोडा, जिससे हमारे पकौड़े फूल जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, यानी बेसन, प्याज और मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। देखिए, अब हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर से जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी हम पानी मिलाते जाएंगे। आप देख रहे हैं अब ये बहुत सूखा है, तो थोड़े पानी की ज़रूरत है। तो डालिए इसमें थोड़ा पानी और मिक्स करते जाइए। अगर हम कभी गलती से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, और अगर पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे तो वो कढ़ी में टेस्ट नहीं देंगे, यानी फूट जाएंगे। आप देखेंगे इतने से आटे में हम कितने पकौड़े बनाते हैं। तो अब हमारा पेस्ट रेडी है, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी मिलाए थे। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। देखिए, मैं आपको चम्मच से हिला के दिखा रही हूँ, ये ज़्यादा आसानी से गिर नहीं रहा है, यानी हमारा पेस्ट पकौड़े के लिए बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, हमने मिक्स करते वक्त रखे थे। अब हम एक एक करके छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे हाथों की मदद से। देखिए, मैं तीन उंगली से मिला के एक पकौड़ा डाल रही हूँ। हमारे पकौड़े बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे होंगे। जितनी हमारी कढ़ाई में जगह होगी हम उतने ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए, अब जगह ख़त्म हो रही है, फिर भी एक दो हम कोने कोने में डालते रहेंगे। और आपने देखा, हमने छोटे छोटे डाले थे, मगर हमने जो मीठा सोडा मिलाया है उससे वो थोड़े फूल गए हैं और उनका साइज़ बढ़ गया है। अब दो मिनट होने को आए हैं, हम इन्हें पलटी करेंगे। देखिए, अच्छी तरह फूल गए हैं हमारे पकौड़े। अब दो से तीन मिनट और हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पकौड़े अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। हम इसे ज़्यादा गुलाबी नहीं करेंगे, बस हल्का कलर आने पर इसे निकाल दीजिए। देखिए, इसे इसका तेल अच्छी तरह निकाल देंगे। मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे पकौड़े हमने बनाए हैं। दूसरा राउंड भी हम इसी तरह शुरू कर रहे हैं, जितनी जगह है उसके हिसाब से हम डालते रहेंगे, और इसी तरह हम तमाम पकौड़े झटपट फ्राई कर देंगे। कैसा लगा आपको पकौड़े बनाने का तरीका? आसान है ना? हम पकोड़े पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कढ़ी और पकोड़े दोनों को साथ में बनाने का वीडियो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अब हम इसे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे चम्मच की मदद से। देखिए,
चिपक जाते हैं कभी कभी पकोड़े नीचे जाके। अब हमारे पकोड़े तैयार है तो अब हम इसे निकाल देंगे। और इसी तरह अब हमारे तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं बहुत ही झटपट और आसानी से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे हो गए हैं फ्राई करने के बाद। देखिए माशाल्लाह प्लेट भर गई है। तो आपने देखा एक प्याज से हमने कितने पकोड़े बनाए हैं और अच्छे छोटे छोटे गोल गोल बनाए हैं, ऐसे लग रहे हैं कि छोटे लड्डू है बेसन के। अब यहाँ पर हमने कड़ी के लिए मसाला लिए है, इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम इमली। हम इसे भिगा के रखेंगे 1 घंटे के लिए और इसकी बीज भी निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिए है थोड़ा सा नारियल और 6 से 8 हरी मिर्ची, 10 से 12 लहसुन की फाकली, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे। गैस का फ्लेम फास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 चम्मच ही डालेंगे। और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा। अब हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते और हरा मसाला जो हमने पीस के लिए है, और इसे अच्छी तरह हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 और 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मिक्सर जार धो के हम पानी लिए हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। देखिए मेरी आवाज़ बैठी है, तबीयत थोड़ी नरम है, इसके लिए ज़रा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। अब हमने यहाँ पर मिक्सर जार में 4 टेबल स्पून बेसन लिए हैं और यहाँ पर मैंने दही ली हूँ, ये घर का बना हुआ दही है। इसमें से हम 1/2 दही यानी 250 ग्राम दही डालेंगे। आप बाहर से ला सकते हो या घर में बना के आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए घर का बना हुआ दही अच्छा गाढ़ा होता है। अब हम इसे मिक्सर जार में 1 से 2 राउंड मारेंगे और इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा हमारा कड़ी का प्रोसेस। देखिए अच्छी तरह ये पीस के एक जान हो गया है दही और बेसन। अब हम इसे पहले मसाला देखेंगे अच्छी तरह भुना है या नहीं। देखिए मसाले का पानी सूख रहा है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनेंगे ताकि नारियल जो हमने डाले थे पीस के वो अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए और अच्छी खुशबू इसमें आने लगे। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू मसाले को अच्छी तरह भून रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिक्सर जार में जो हमने दही और बेसन पीस के लिए है, और इसे डालते ही हम फौरन पानी डाल देंगे वरना घाटी बनना शुरू हो जाएगी। देखिए अब इसे अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे और आगे जो पानी डालना है वो अलग से डालेंगे। पूरा मिला के हम इसमें 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। देखिए इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अब हम ये चम्मच इसी में रखेंगे, चम्मच नहीं निकालेंगे, आपको तो पता है। और इसे 1/2 ढक्कन ढक के हम फास्ट फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जब कड़ी को जोश आए तो ये बहे ना। आप देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसको उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसके आसपास ही रहेंगे, इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसमें चम्मच हमेशा रखेंगे। चम्मच रखने से एक फ़ायदा होता है कि दही में जो उबाल आता है बेसन में तो उसे फैलने में थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होता। तो मैं हमेशा चम्मच रख के उसके आसपास ही रहती हूँ और इसे फैलने नहीं देती हूँ। अब देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कड़ी पक रही है हमारी कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर।
और इसने पानी भी अवट गया है हमारा। अब पूरे आधा घंटा हो गया है, कढ़ी अच्छी पक्की गाढ़ी हो गई है, जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है। पेस्ट हमारा तैयार, देखिए थोड़ा धुंधला आ रहा है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, शायद कैमरे के ऊपर भाप लग गई थी इसके लिए धुंधला आ गया है, मैंने ध्यान नहीं दी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मीडियम फ्लेम पर है गैस हमारा और हम पकोड़े डाल रहे हैं, देखिए जितने चाहिए उतने डालिए। अगर आप थोड़े से बचाना चाहते हैं और शाम को डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और यहाँ पे हम तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून तेल ली हूँ और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और राई और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जो पकोड़े तले थे उसी का तेल है ये, और इसमें 1/4 चम्मच हम हींग पाउडर डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते और 4-5 लाल मिर्ची 2 टुकड़े करके डाली हूँ मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसका एक अच्छा तड़का तैयार करेंगे हम, देखिए अच्छी तरह लाल हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं। अब हम अपनी कढ़ी के पास जाएंगे, ये स्लो फ्लेम पे पक रही है, इसमें तड़का डालते ही हम थोड़ा इसे ढक्कन ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम खोल के चेक करते हैं, गैस का फ्लेम हमारा स्लो पर ही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे, देखिए हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। और बहुत ही इजी और आसान तरीका मैंने आपसे शेयर की हूँ, और हमने जो इसमें नारियल पीस के डाले हैं इससे कढ़ी और भी टेस्टी हो गई है। तो आप ज़रूर इस तरीके से भी एक बार कढ़ी बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके और बताइए क्या आपने इस तरह कढ़ी कभी बनाई थी, और नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाइए, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए हमारी कढ़ी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, मगर ये जितनी ठंडी होती जाएगी वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्टार्टिंग में हम थोड़ी पतली ही रखते हैं, देखिए, क्योंकि बेसन ठंडा होने के बाद जमना शुरू हो जाता है। और हमारे पकौड़ों ने जितना सोखना था उतना पानी सोख लिए है, अब ये और नहीं सोखेंगे। देखिए हमारी कढ़ी बहुत ही खूबसूरत भी दिख रही है और बहुत टेस्टी भी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई है हमारे घर में, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चे तो कढ़ी के बहुत शौकीन हैं, और आप भी अपने बच्चों को कढ़ी खिलाइए, ताकत भी है इसमें नारियल और दही की और पकौड़े जो इसमें मिलते हैं। तो अब हमारी नारियल वाली कढ़ी खाने के लिए तैयार है, जिसे हमने नारियल और दही से बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही खूबसूरत भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे वीडियो और शॉर्ट आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्या बात है, कुछ पता नहीं, ये 15 दिन से हो रहा है मेरे साथ। आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, बहुत से वीडियो है जो आपने देखे ही नहीं, बहुत से शॉर्ट है जो आपने देखे ही नहीं। मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग देखते नहीं तो मुझे कितना बुरा लगता है, आप मेरी जगह रह के देखिए। और अब मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं नए वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, जो मैंने बनाई थी वो उसी का मैं आपके पास भेज रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कढ़ी कैसी लगी। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।